डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू हडूप। हडूप की स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है 21st सेंचुरी की बिगनिंग से, मतलब अगर हम बात करें 2001 से, तो वहां से इसकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, जब इंटरनेट जो था वो पॉपुलर होने लग गया था। मतलब उस टाइम पे इंटरनेट जो है वो मार्केट में आ चुका था और वहां पे बहुत सारे यूजर जो है वो डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे थे। तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ा डेटा के ऊपर। मतलब उससे पहले की बात करें तो डेटा हम लोग जनरली क्या कर रहे थे, रोज एंड कॉलम्स में डेटा को स्टोर कर रहे थे। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा था और उसी को ही हम स्टोर कर रहे थे और उसी को हम प्रोसेस करके आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। अब अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर्ड है तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे सॉल्यूशंस अवेलेबल थे ताकि मैं इजीली डेटा को स्टोर कर सकूं, क्योंकि डेटा की वैल्यू जो है, डेटा की अगर हम बात करें वॉल्यूम या उसके डेटा के साइज की बात करें, तो वो बड़ा लिमिटेड था। तो मैं सिंगल स्टोरेज डिवाइसेस में उसको रख सकता था और सिंगल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स उसको प्रोसेस कर सकता था, तो काम बड़ा इजी चल रहा था। बट जैसे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया तो वहां से टाइप ऑफ डेटा सबसे पहले चेंज हो गया। तो डेटा में हम लोग यूज करने लगे टेक्स्ट डेटा को, हम लोग यूज करने लगे इमेजेस को, वीडियोज को, ईमेल्स जो थे वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो एकदम से जब डेटा के अंदर ये चेंज आया तो एक्चुअल में उसका साइज जो था वॉल्यूम भी बढ़ गया, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो जनरेट होने लग गया। क्योंकि अगर बात बताऊं ना, मतलब 2003 और 4 की बात करूं, तो उस टाइम पे मैं 9th 10th क्लास में था, तो पहली बार तब मैंने फोन जो है, मोबाइल जो है वो पहली बार उस टाइम पे मैंने देखा था, नोकिया 3310 और नोकिया 1100 उस टाइम पे यूज करना स्टार्ट किया था। तो उसमें तो सिंपल टेक्स्ट मैसेज हम लोग सेंड कर सकते थे। और फिर 2004 में, हालांकि 2003 में आ चुका था नोकिया 6600, बट 2004-5 में वो बहुत पॉपुलर हुआ और उसमें कैमरा भी था, कैमरे से आप इमेजेस भी खींच सकते हो और साथ ही साथ आप वीडियोस भी बना सकते हो। तो वहां से जो है एक नॉर्मल इंसान, मतलब हम लोग जो थे एक सिंपल मीडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे और हम लोग भी वीडियोस, इमेजेस और इस टाइप के डेटा से डील करने लग गए डेली बेसिस पे। तो देखो पूरी दुनिया में एकदम से कितना रिवोल्यूशनाइज हुआ कि सारे के सारे लोग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को यूज करने लगे। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग डेटा। तो क्या हुआ, पैरेलली उसी टाइम पे 2002 की बात करें तो उसी टाइम पे डॉग कटिंग, जो कि फादर ऑफ बिग डेटा या फादर ऑफ हडूप बोलते हैं, तो दैट इज डॉग कटिंग एंड माइक, इन दोनों ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, दैट इज हडूप। और इसका बेसिकली पर्पज ही क्या था कि कैसे हम बिग डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली स्टोर कर सके और उसको प्रोसेस कर सके। तो उन्होंने 2002 में इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और फिर बाद में 2008 में याहू ने ओपन सोर्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया इसको, हडूप के प्रोजेक्ट को। एंड देन 2012 में पब्लिक के लिए अपाचे ने इसको क्या कर दिया, अवेलेबल कर दिया। तो फिर ये तब से अपाचे हडूप के नाम से पॉपुलर हो गया और ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। तो इसीलिए हडूप का पर्पज आपसे पूछ लें कि क्या होता है, तो हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। आप ये नहीं कह सकते कि इट इज ओनली अ सॉफ्टवेयर, जैसे RDBMS है या जैसे हम बात करें सिंपल डेटाबेस है, नहीं, ये एक्चुअल में पूरा फ्रेमवर्क है। ये अकेला DBMS नहीं है या ये अकेला डेटाबेस नहीं है, ये एक्चुअल में पूरा फ्रेमवर्क है जो अलाउ करता है कि डेटा को हमने कैसे स्टोर करना है प्रॉपरली और फिर उस डेटा को कैसे हमने एक्सेस करना है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर मतलब रादर देन कीपिंग ऑल द डेटा इन अ सिंगल एरिया, इन अ सिंगल डिवाइस, हडूप कहता है कि उस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में उसको स्टोर करो ताकि उसको पैरेलली एक्सेस कर सके। तो ये कहानी जो है वो हडूप लेके आया। तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा फ्रेमवर्क था, वो जावा प्रोग्रामिंग में इनिशियली लिखा गया, लेकिन आप लोग अगर C++ में कंफर्टेबल हो, पाइथन में हो, जावा में हो, तो आप इसके प्रोग्राम जो है वो यूज कर सकते हो हडूप फ्रेमवर्क के अंदर। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें कि हडूप में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इस पूरे फ्रेमवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, लेकिन दो सबसे बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज HDFS एंड MapReduce। ये दो तो आप कह सकते हो इस सिस्टम की जान है, क्योंकि HDFS क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जैसे हम नॉर्मल विंडोज में, लिनक्स में यूज करते हैं फाइल सिस्टम, जिनका पर्पज क्या है, फाइल्स को मैनेज करना। तो ये सारी चीजें ना लोकल सिस्टम में ओके है, लेकिन जब हम बिग डेटा के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं, तो वहां पे हम एक डेटा को एक सिंगल जगह पे नहीं रख सकते, हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो HDFS जो है वो स्पेशली डिजाइन किया हुआ है कि रादर देन कीपिंग द डेटा ऑन अ सिंगल एरिया, जैसे आपके पास कोई फाइल है 1280 MB की, तो इसने करना क्या है ना, इसने पूरी एक फाइल को, ये पूरी जो एक फाइल है 1280 MB की, एक जगह पे नहीं स्टोर करनी, इसने क्या करना है, उसको पहले डिवाइड करना है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवीजन ये करता है बाय डिफॉल्ट 128 MB के साइज की। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि Oracle में, SQL सर्वर में हम 8 KB की पार्टीशन करते हैं, 16 KB की पार्टीशन करते हैं, या फिर 64 KB किलोबाइट की पार्टीशन करते हैं। यहां पे एक पार्टीशन जो हो रही है ना, वही 128 MB की हो रही है। तो
पार्टीशन ही अपने आप में इतनी बड़ी है तो ऑब्वियसली ये कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को डील करता होगा। तो इस तरीके से ये पार्टीशन करता है और फिर इन पार्टीशन को क्या करता है, अलग अलग जगह पे सेव करता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा नोड्स। क्या बोलते हैं? डेटा नोड्स। तो अलग अलग जगह पे इन डेटा को यहां पे क्लस्टर्स में रखता है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि नए नए हार्डवेयर नए नए डिवाइसेस को यूज करते हैं, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कमोडिटी हार्डवेयर है उन्हीं को ही यूज करते हैं, मतलब कॉस्ट को भी यहां पे बचाने की कोशिश की हुई है। और फिर जब हमने इसको स्टोर कर लिया तो हमें पता कैसे लगता है कि कौन सा डेटा किस नोड पे पड़ा है, तो उसके लिए एक होता है मास्टर नोड, एक होता है उसमें मास्टर नोड। वैसे तो मैं अलग से आपको बताऊंगा जब मैं HDFS और MapReduce को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी एक आईडिया आपको बता रहा हूं। तो इसमें सारा का सारा मेटा डेटा पड़ा होता है मास्टर नोड में, जो बताता है कि कौन सा डेटा किस नोड पे पड़ा है, उसकी लोकेशन, उसका फाइल का साइज, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दैट इज कॉल्ड अ मेटा डेटा। तो वो इस जगह पे स्टोर रहता है। अब यहां पे स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर हमने अलग अलग तो रख लिया, लेकिन लेट्स से अगर एक डेटा नोड फेल हो गया, करप्शन हो गया डेटा के अंदर, प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करेंगे? ये तो गया डेटा, और गया कितना, 128 MB डेटा लॉस हो गया, तो डेटा लॉस तो हो नहीं सकता। तो यस, यहां पे डेटा लॉस नहीं करता, HDFS पार्टीशन करके अलग अलग जगह पे तो रखता ही है, साथ ही साथ ये यूज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं। तो रेप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पूरे एक ब्लॉक को यहां पे तो रखता ही है, पूरे डेटा ब्लॉक को यहां पे अलग अलग, साथ ही साथ जो डेटा मैं यहां पे रख रहा हूं इस डेटा नोड पे, उसकी एक नहीं कम से कम 2 से 3 कॉपीज जो है वो अलग अलग डेटा नोड पे पड़ी रहेंगी, ताकि इन केस ऑफ फेलियर हम लोग सेकेंडरी डेटा नोड्स को यूज कर सके। इनको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा नोड्स। एक तो होगी प्राइमरी, जहां पे आपका पूरा का पूरा फ्रंट फेज होगा, जैसे किसी कंपनी में किसी भी आप जाते हो किसी शोरूम पे, तो शोरूम क्या है, उसका एक फ्रंट फेज है, तो फ्रंट फेज में सारी चीजें पड़ी है। उनका एक गोडाउन भी होता है कि अगर लेट्स से यहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो गोडाउन से चीज को ले आएंगे, यहां पे खत्म हो गया तो गोडाउन से चीज ले आएंगे, तो वो गोडाउन अलग से रखे हुए, तो वही चीज यहां पे सेकेंडरी डेटा नोड्स है, जहां पे उनकी कॉपीज को रखते हैं ताकि इन केस ऑफ फेलियर हम वहां से उठा सके। तो देखो कितना पावरफुल टूल यहां पे डिजाइन किया है। दूसरी चीज, अब डेटा तो स्टोर कर लिया, डेटा तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड वे में स्टोर कर लिया, अब उसको एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए यहां पे यूज किया जाता है, दैट इज अ प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑफ हडूप, जिसको हम बोलते हैं मैप रिड्यूस। ये एक तरह से इसका प्रोसेसिंग एलिमेंट है, सीपीयू आप बोल सकते हो। तो जिसका काम क्या है, इस क्वेरी, कोई भी यूजर अगर क्वेरी लिखता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो ये पैरेलली डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करके उसको जो है वो फाइंड आउट करता है, और मैप रिड्यूस करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। तो डेटा को, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में पहले रिड्यूस करके की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करके, और फाइनली फिर डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह जो है ये वर्क करता है। तो इसकी पूरी कहानी मैं आपको फर्दर बताऊंगा, बट मेनली मैप रिड्यूस किया इसका प्रोसेसिंग एलिमेंट, जो एक्चुअल में यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा, क्वेरी पूछा, उसको आंसर में कन्वर्ट करना। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा हाइव है, यान है, बहुत सारे, ज़ू कीपर है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन टू हडूप पूछ ले, हडूप के बारे में पूछ ले, क्यों आया, कैसे आया, तो वो इस वीडियो में आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।